हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा उसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गेस्ट टीचर्स, तो हरियाणा के अंदर गेस्ट टीचर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो आप दोबारा सुन सकते हैं ये न्यूज़ हरियाणा के बारे में है कि हरियाणा के अंदर जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो गेस्ट टीचर एक्ट लाया गया है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गेस्ट टीचर्स थे जो पुराने, चाहे उनका एस्टेट था या नहीं था, उन सभी गेस्ट टीचर्स को पक्का कर दिया। मतलब उनकी सेवाएं 58 साल की जो पॉलिसी है उन्होंने लागू कर दी। इसके बाद जो जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाल जी, और इसके बाद कुछ और अन्य ऐसे एसोसिएशन हैं उनके जो सभी ग्रुप्स ने मिलके एक मतलब जो ये एक्ट पास किया है, तो कोर्ट में उसको चुनौती दी। और इसके बाद कोर्ट में पहले भी हियरिंग हुई थी, पहले भी अपडेट आई थी, तो अभी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस पर उन्होंने मतलब जो राजेश पाल जी हैं और जो अन्य साथी हैं उन्होंने मतलब इस पर चुनौती दी है कि ये मतलब अगर आपके पास एस्टेट पास कैंडिडेट्स हैं तो आप इनको क्यों ले रहे हैं। तो इस पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की है क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है, और आपको पता होगा इसके काफी रीजन हो सकते हैं। तो इस पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है कि हरियाणा के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है, और इसके बाद अगर आपके पास एचटेट पास कैंडिडेट्स नहीं है तो आप गेस्ट टीचर ले सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा संख्या में एचटेट पास कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं जिनका एचटेट है वो भी खत्म होने वाले, उसकी वैलिडिटी भी खत्म होने वाली है, तो आप ऐसे कैसे ले सकते हैं। तो साथियों, इस पर अभी जो कोर्ट आगे जो हियरिंग है वो मैं आपको बता देता हूं, जो अगली तारीख है वो 29 अगस्त है, और 29 अगस्त को शायद कुछ बड़ा फैसला इसमें हो सकता है क्योंकि जो सारी चीज़ें लग रही है, जो राजेश पाल जी है इन्होंने जो सबूत दिए हैं कोर्ट में, तो उसके माध्यम से सारी चीज़ें ये लग रही है इसमें सरकार घिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि वोट बैंक के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती दिख रही हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्योंकि एस्टेट पास कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अब देखते हैं क्या नया मोड इसमें आता है। तो साथियों, जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दी जाएगी, लेकिन एक बात साफ है कि इसके अंदर जो एस्टेट पास कैंडिडेट्स हैं उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।